हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का पहला एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 8.1। ठीक है, क्लास 9th का ट्रिग्नोमेट्री 8.1 एक्सरसाइज। हमको क्वेश्चन दिया गया है, वी हैव ए राइट एंगल ट्राइंगल विच इज राइट एंगल एट बी। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। कहाँ पर बन रहा है 90 डिग्री? एंगल बी पर। एंगल बी इज 90 डिग्री एंगल एंड दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। क्यों राइट एंगल ट्राइंगल? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ किसके लिए यूज होती है? राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। ठीक बात। अब हमसे ये पूछा जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए, कॉस सी एंड टेन ए। ये साइन, कॉस और टेन क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। क्या कहते हैं इनको? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ऐसे 6 रेशियो होते हैं। 3 तो आपको यहाँ दिख रहे हैं, साइन, कॉस और टेन। 3 इसके रेसिप्रोकल होते हैं। साइन का एक रेसिप्रोकल होता है उल्टा, जैसे 1/sin कहते हैं क्या? कॉसेक। कॉस का सेक और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। तो 3 इसके रेसिप्रोकल होते हैं। हमको सिर्फ किस एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालनी है? आंसर है एंगल ए। ये जो साथ में लिखा होता है ए बी सी, ये क्या है? एंगल। क्या है? एंगल। याद रहेगा? समझ रहे हैं? ये ए क्या है? आंसर है ये वाला एंगल है, एंगल ए। ये सी क्या है? ये वाला एंगल, एंगल सी। वो ए क्या है? ये वाला एंगल। याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो उसी एंगल का निकाला जाएगा जो 90 डिग्री से छोटा होगा। क्या होगा? 90 डिग्री से छोटा। बी कितने डिग्री का है? तो इसका कभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नहीं निकाला जाएगा। उसी एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है जो 90 से छोटा होता है। आया समझ में कि नहीं आया? और जो एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। 90 से छोटे जो एंगल होते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो हम लोग कौन से एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पढ़ने वाले हैं? एक्यूट एंगल के लिए। ये भी 90 से छोटा, ये भी 90 से छोटा, तो ये दोनों एंगल कैसे हो गए? एक्यूट एंगल। तो इसका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, इसका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हम निकालेंगे। समझ आया? आया। फिर मैंने आपको जस्ट 2 मिनट, आपका रिवाइज भी हो जाएगा और जिनको नहीं आता है उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। हमने आपको एक छोटा सा ट्रिक बताया था कि आप याद कर लीजिएगा कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ठीक है, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनियस, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। और इसको ऐसे डब्बे में पैक कर लीजिएगा ऐसे। ये वाला साइन होगा अपॉन का, P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ऐसे ही B/H, ऐसे ही P/B। अगर हम ऊपर से देख रहे हैं तो हमको क्या दिख रहा है? P/H दिख रहा है। इसको हम बोलेंगे साइन, किसी भी एंगल का। मैं एंगल के लिए क्या यूज़ कर रहा हूँ? थीटा। क्या पढ़ते हैं? जैसे इस एंगल को मुझे दिखाना है कि कोई एंगल है तो मैं बोल दूंगा ये थीटा एंगल। मुझे नहीं पता कि 10 डिग्री है कि 20 डिग्री है कि 60 डिग्री, तो हम क्या बोल देंगे? थीटा डिग्री। जैसे आप पॉलिनोमियल में मानते हो ना कि XYZ कुछ भी मान लेते हो। अभी इंस्टॉलमेंट वाला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो उसमें हमको कुछ पता नहीं होता था, कैश प्राइस नहीं पता होता था, इंस्टॉलमेंट अमाउंट नहीं पता होता था, तो क्या मान लेते थे? X रुपया। वैसे ही एंगल नहीं पता है तो क्या मान लेंगे? थीटा एंगल, थीटा। ठीक है, तो ऊपर से देखेंगे P/H क्या होता है? साइन थीटा, किसी एंगल का साइन। B/H कॉस थीटा। इसी तरह P/B टेन थीटा। और अगर हम नीचे से देख रहे हैं तो आप जान रहे हैं साइन का उल्टा कौन होता है? कॉसेक, रेसिप्रोकल। तो अगर ऊपर से P/H साइन है तो नीचे से H/P क्या हो जाएगा? साइन का उल्टा, कॉसेक थीटा। ठीक है, इसी तरह नीचे से B/H अगर कॉस है तो H/B क्या हो जाएगा? सेक थीटा। और ये नीचे से देखेंगे P/B अगर टेन है तो B/P कॉट थीटा। यहाँ तक समझ आया? ठीक है ना। अच्छा, अगली चीज़ सुनिए, इसमें पहचानिए कौन सी साइड क्या है। ठीक है, तो उसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ये देखिए, दिस इज एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। दिस इज एक्यूट एंगल। हमेशा ट्रिग्नोमेट्री एक्यूट एंगल के लिए देखी जाएगी। दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल सी। ये है 90 डिग्री। कौन सी डिग्री? 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होती है ट्राइंगल की उसको हमेशा क्या बोलते हैं? हाइपो टेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है, हम जिस एंगल के लिए आपसे पूछेंगे जैसे हम किस एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल ए, एंगल ए का साइन बताओ। हम किस एंगल के लिए बोल रहे हैं आपसे, एंगल ए के लिए। तो परपेंडिकुलर और बेस कौन से होते हैं, तो याद रखिएगा कोई नहीं होते हैं। परपेंडिकुलर और बेस एक ट्राइंगल में फिक्स नहीं होते हैं। कब कौन सी साइड परपेंडिकुलर बनेगी डिपेंड करता है कि कौन से एंगल के लिए पूछ रहे हैं। मैं आपसे पूछूंगा इस एंगल के लिए इस ट्राइंगल में कौन सी साइड परपेंडिकुलर कहलाएगी, तो याद रखिए जो एंगल हम आपसे पूछेंगे उसके अपोजिट में जो साइड होती है वो क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। और जिस एंगल के लिए हमने पूछा है उस एंगल के साथ लगी हुई साइड क्या कहलाती है, बेस कहलाती है। समझ आया। और अगर इसी ट्रायंगल के लिए ध्यान से सुनिए, ये है 90 डिग्री, ये है ए, ये है सी, ये 90 डिग्री, 90 के सामने वाला हमेशा क्या बन जाएगा। अब की बार मैंने आपसे इस एंगल के लिए पूछा है, अब बताइए इसमें परपेंडिकुलर कौन एंगल, ये है सी वाला, तो आप क्या बोलेंगे, एंगल के जस्ट सामने जो साइड होगी वो क्या कहलाएगी, और एंगल जहां बन रहा है उससे लगी हुई साइड क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी। तो आपको पिक्चर समझ में आया कौन सा साइड परपेंडिकुलर होता है। आंसर है डिपेंड करता है कौन से एंगल के बारे में पूछ रहे हैं आप। अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं और आपको बताऊं कि ये 90 डिग्री है, ये है सी, ये है ए, बताइए इसमें से कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा साइड, बोलिए इसमें कौन सा साइड परपेंडिकुलर होगा, कोई सा नहीं। क्यों? हाँ, पहले बोलिए कि आप एंगल बताइए तो हम आपको परपेंडिकुलर बताएंगे। हमने कहा कि हम ये वाला एंगल आपको बता रहे हैं, तो बोलो आप कौन परपेंडिकुलर, इस एंगल के नीचे वाला, ये बी ए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, इस एंगल के सामने वाला जो साइड है ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। इस एंगल से लगा हुआ जो साइड है बेस, और 90 डिग्री के सामने जो साइड है हाइपोटेनस। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हो गया 2 मिनट का इंट्रोडक्शन, 5 मिनट का जो भी है, ठीक है ना, हो गया भाई, हो गया पक्का। चलिए स्टार्ट करें। हमको क्या निकालना है, पहले साइन ए, यानी ए क्या है एंगल, उस एंगल का हमको साइन निकालना, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। हु इज ए, दिस इज ए, तो इसके लिए मुझे क्या निकालना है, साइन। ठीक है, तो पहली चीज हम ले रहे हैं साइन ए, और अब हम कंसीडर करेंगे, यहाँ देखिए साइड हमको दिए हुए हैं अलग अलग केस के लिए अलग अलग साइड। अभी फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में एसी का लेंथ कितना दिया हुआ है, एसी, सो दिस इज 5 यूनिट, नहीं दिया है सेंटीमीटर मीटर जाने दीजिए, यूनिट बोलेंगे, 5 यूनिट। एबी कितना है, दिस इज एबी 3, और बीसी कितना है, 4 यूनिट। समझ आया, मेजरमेंट हमको पता है सब। अब हमको साइन निकालना है। साइन कौन से दो साइड का रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ना, ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बताइए जरा इस एंगल के लिए कौन परपेंडिकुलर होगा, कौन सा एंगल, ए के लिए परपेंडिकुलर कौन, ये सामने वाला, तो परपेंडिकुलर का नाम आप लिखेंगे, कौन है परपेंडिकुलर, बीसी। हाइपोटेनियस हमेशा कौन होता है, 90 के सामने वाला, कौन है, एसी। और एसी और बीसी का मेजरमेंट ये दिया हुआ है ऊपर, या वहाँ भी हमने लिख दिया है। बोलिए बीसी कितना, 4, एसी कितना, 5, तो ये 4/5 क्या चीज़ है, साइन ए की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू आ गई। समझ आया, आया कि नहीं आया। दूसरा लेते हैं क्या, हाँ कॉस, लेकिन किस एंगल का कॉस देखना है, सी का, समझे ना। और अगर हम सी का कॉस देखेंगे, ये है एंगल सी, ये, ठीक है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन, इसके सामने वाली साइड, बेस कौन, ये, और हाइपोटेनस कौन, ये। समझ आ रहा है ना, अब तो समझ गए परपेंडिकुलर की कहानी। कॉस किस दो साइड का रेशियो होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये आपको याद भी कर लेना है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस का नाम बताइए, एंगल सी के लिए बेस कौन होगा, बीसी, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर सामने वाला, तो बेस यही ना हो गया, बीसी। और हाइपोटेनियस हमेशा 90 के सामने वाला AC वो नहीं बदलता। हमेशा कौन बदलता है? परपेंडिकुलर और बेस। हाइपोटेनियस कभी नहीं बदलता। BC का मेजरमेंट कितना और AC का मेजरमेंट कितना? तो अगेन ये कितना आ गया, आने दीजिए। थर्ड हम लेते हैं tan A। एंगल A के लिए टेंजेंट देखना है, tan, ठीक है। एंगल A कौन है? ये। और जरा बताइए tan थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बताइए एंगल A के लिए परपेंडिकुलर कौन कौन होगा? परपेंडिकुलर ये एंगल A के सामने वाला BC परपेंडिकुलर, और बेस कौन? AB, क्योंकि AC क्या है? 90 के सामने वाला, हाइपोटेनियस। तो बेस कौन हुआ? AB। BC का मेजरमेंट है 4 और AB का मेजरमेंट कितना? 3। कितना? 3। हाँ, A 3। तो ठीक है 3। दिस इज व्हाट tan A। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आ गई सबकी। आप सिर्फ इसी को क्वेश्चन बदल रहे हैं, हम खाली क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं, ये वैल्यू चेंज कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, बुक से मैच करते हैं। दिस इज सेकंड नंबर डाल रहे हैं और इसको मिटा के चेंज कर रहे हैं ना। ये हमको अलग अलग क्वेश्चन दिए गए हैं। अब की बार हमारा AB है 12। AB कितना लेना है हमको? AB हमको दिया हुआ है 12। अलग अलग लिखा है, मेरा जो फॉर्मेट सेट है मैं उसमें लिखते जा रहा हूँ। AB कितना दिया है मुझे? 12। BC दिया है 5, तो मैं BC को कितना कर लूँ? 5। AC कितना खाए? 13। ये हो गया, ये सेकंड क्वेश्चन है। और फिर से यही तीनों रेशियो निकालने हैं। तो खाली हमारा मेजरमेंट बदलेगा, ट्रायंगल तो वही रहेगा, ट्रायंगल तो वही रहेगा। तो खाली क्या बदलेगा? एंगल A के लिए परपेंडिकुलर हमेशा यही रहेगा, यही रहेगा। समझ आ रहा है? तो खाली क्या बदलना है? मेजरमेंट। ये बोलिए, आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है? तो फिर से अब ये मेजरमेंट बदल गए। ये अब हम यहाँ नहीं लिखते क्योंकि ऊपर हमने लिख लिया है। अलग अलग बार बार हम नहीं लिखना चाहते। AC अब की बार कितना है? 13। AB अब की बार कितना है? कितना है? 12। और ये वाला BC अब की बार कितना है? 5। समझ में आया? फिर से एंगल A का साइन देखना है। एंगल A का साइन ये है, एंगल A, इसका साइन कौन होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेनियस ये, BC अपॉन AC। तो वही चीज़ होगी BC अपॉन AC। बस खाली BC का मेजरमेंट अब क्या हो जाएगा? 5। और AC का मेजरमेंट क्या हो जाएगा? 13। आप एंगल C के लिए कॉस देखना है। कॉस अभी भी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और अभी भी C के लिए बेस कौन है? BC। हाइपोटेनियस कौन है? AC। BC का मेजरमेंट 5, AC है 13। समझ रहे हैं? एंगल A के लिए 10 देखना है। अभी भी एंगल A के लिए परपेंडिकुलर कौन? BC। बेस कौन? AB। सो दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। BC है 5 और AB है 12। समझ आ रहा है? ये दूसरा क्वेश्चन भी हल हो गया। इसी तरह हम लोग अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसी को मिटा के मैं गिवन लिखता हूँ थर्ड क्वेश्चन के लिए। फॉर्मेट हमारा वही रहेगा, ट्रायंगल नहीं बदल रहा है तो फॉर्मेट भी नहीं बदलेगा। थर्ड में AB हमको दिया हुआ है 5, तो मैं AB को कर लेता हूँ 5। AC हमको दिया हुआ है 13, तो ठीक है AC 13 है। BC हमको दिया हुआ है 12, तो इसको हम 12 कर लेते हैं। अब आप समझ रहे हैं ना, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पर आएगा? ये सब वैसे ही रहेंगे अगर ट्रायंगल नहीं बदल रहा तो, ठीक है ना। तो सिर्फ चेंज हम किसको करेंगे? इसको, ठीक है। बोलिए BC अपॉन AC कितना? BC कितना है? 12। AC कितना है? 13। यहाँ फिर से BC अपॉन AC 12 अपॉन 13। BC अपॉन AC 12 अपॉन AB है, AB इज 5। ये हो गया मेजरमेंट। समझ में आ रहा है? तरीका वही रहेगा, खाली अब हमको कॉपी पेस्ट करना है, बस बन जाएगा। एक और दिया है चौथा, तो चौथा भी करेक्ट कर लेते हैं इसी में। हाँ, ये अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें हमको BC की वैल्यू दी हुई है 12, दिस इज 12। AB हमको दिया हुआ है 9, सो दिस इज 9। और AC हमको दिया हुआ है 15, तो इसको हमने 15 बना दिया, ठीक है। हो गया। अब बोलो चेंज कहाँ करना है हमको? खाली नंबर बस चेंज होंगे और तो कुछ नहीं चेंज होगा। तो ये नंबर हम बदल देते हैं। बोलिए BC अपॉन AC कितना होगा? BC है 12, AC कितना है? 15। अगेन BC अपॉन AC 12 अपॉन 15. अगेन बी सी अपॉन ए बी कितना हो जाएगा, ये बी सी इज 12, ए बी इज 9 हो गया, बना लेंगे ना। सिर्फ आपको यहाँ ये सिखाया जा रहा है कि कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा बेस है, समझ आया। ये बन जाएगा तो आप बना लेंगे, और डिपेंड करता है कौन से एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालना है। कभी एंगल ए के लिए पूछ रहा है, कभी एंगल सी के लिए पूछ रहा है, देखो साइन ए कॉस सी, और कुछ भी पूछ सकता है। एंगल ए के लिए साइन पूछा ना, कॉस भी पूछ सकता था, कॉट भी पूछ सकता था, कॉसेक भी पूछ सकता था। आपको सबके लिए प्रिपेयर रहना, ये पूरा टेबल आपके सामने मौजूद है, बन जाएगा। खाली क्या लिखना है, अगर हमसे कॉट पूछता तो हम क्या लिखते, बी अपॉन पी। कॉट पूछता तो क्या लिखते, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और जो भी बेस बनता यहाँ से देख के बेस अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू लिख देते, समझ आ रहा है। इस तरह से इसको हम बनाएंगे, तो ये आप नोट कर लें, ठीक है। और एक्सरसाइज 8.1 में इतना ही है, छोटा सा एक्सरसाइज है।